अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। कैसे मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मूंग की दाल के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इजीली और झटपट अफ्तारी में कैसे बनाएं ये मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मूंग की दाल 6 घंटे तक ही भिगो के रखी थी और इसको मैंने अच्छी तरीके से ड्रेन कर लिया है और अब इसे हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बस अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे, या आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे और ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट जो है हम टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब यहाँ पर हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और बिना पानी के हम इसे पेस्ट बना लेंगे। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि मैंने इसको चम्मच में ले लिया है और इसे मैं पलट भी रही हूँ तो ये बैटर नहीं गिर रहा है। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और आगे हम इसमें क्या डालेंगे वो आपको हम बताते हैं। कि अब हम एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, हम वो उसमें ऐड कर देंगे और साथ में हरा धनिया हम इसमें चॉप करके डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पसंद हो तो इसके अंदर आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब हम तेल गर्म होने पर छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़कर इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमें गैस की आँच को स्लो रखना है, तकरीबन मीडियम टाइप में, ताकि हमारी पकौड़ियाँ अच्छी से फ्राई हो, कच्ची ना रहे। अब आधी फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे और अफ्तारी के टाइम पे हम इसे फिर से फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गोल्डन और गरम गरम फ्राई रहे। हम इसकी आवाज़ आपको सुना देंगे तो देख लीजिए कितनी अच्छी और कुरकुरी हमारी पकौड़ियाँ बनके तैयार हुई है। तो ये जो पकौड़ियाँ हैं, अफ्तारी के टाइम पर हमें यही टेंशन होती है कि पकौड़ियाँ गरम गरम नहीं है, तो आप बस इसे आधा फ्राई कीजिए और आधा फ्राई करने के बाद में इसे अफ्तारी के टाइम पर फिर से फ्राई कीजिए।